तो फिर गेम फैमिली आज का गेम प्ले हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को एक बड़ा वाला दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मैं इसलिए आप लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई मेरे 4.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। और सच बताऊं तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पापा ने भी मुझे बहुत डांटा था कि मैं बेकार काम कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, बहुत कम ही लोग ऐसे उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं यूट्यूब पर। आप सभी ने मिलकर मेरा ये सपना पूरा कर दिया और मेरे पापा भी आज इस चीज पर बहुत प्राउड फील करते हैं। और इसीलिए आज जब वो मुझसे ये बात बोल रहे थे तो मैंने बोला कि आप लोगों को एक बार तो थैंक यू बोलना बनता है। तो फेल आर्मी एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू। और चलिए आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको पता है कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रॉयल रंबल 2024 में मैच 1-on-1 नहीं बल्कि फैटल 4-वे मैच अनाउंस हो गया, वो भी एलए नाइट, रैंडी ऑर्टन और एजी स्टाइल्स के साथ। तो इससे पहले असली डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये मैच हो, आज जो मैंने ये सस्ता डब्ल्यूडब्ल्यूई बना के रखा है फेल गेम पर, यहां पर पहले मैच होगा। और भले ही जो रियल लाइफ वाला मैच है उसमें किसी ने भी पहला पिनफॉल या सबमिशन करवा लिया वो जीत जाएगा, लेकिन गेम के अंदर ऐसा नहीं है। गेम के अंदर एलिमिनेशन ऑन है, तो जो भी आखिरी आदमी बचेगा वो जीतेगा आज का मैच और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो चलिए देखते हैं कौन जीतता है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और एलए नाइट दोनों फुल ऑन डोमिनेटिंग मोड में, रैंडी ऑर्टन और एजी स्टाइल्स अभी तक कुछ नहीं कर पाए। रोमन और एलए नाइट ने एक एक फिनिशर अब तक लगा दिया और रोमन ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। क्या बात है, मतलब जब से नया साल स्टार्ट हुआ है मुझे याद है कि नया साल आने के बाद से रोमन के साथ झोल हुए जा रहा है, लेकिन आज क्या ट्राइबल चीफ अपना कमबैक करेंगे इस मैच में, क्योंकि एक आदमी को नहीं बल्कि तीन तीन आदमी को एलिमिनेट करना है। वैसे अगर लास्ट वाले आदमी को भी एलिमिनेट कर दोगे तो चलेगा, तो ज्यादा समझदारी इसी में कि भाई साइड में रहो इस मैच में और जब लास्ट वाला आदमी बच जाएगा उसको एलिमिनेट करो, मैच जीतो, टाइटल ले जाओ। अरे भाई लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा ट्राइबल चीफ का, क्या लगता है? वैसे आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि रॉयल रंबल 2024 के बाद भी रोमन के पास टाइटल रहेगा या ये लोग आपस में पिनफॉल करवा के टाइटल छीन लेंगे, या क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि फैटल 4 मैच है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगा नहीं, तो रॉक आएंगे या फिर कुछ, तो मतलब रॉयल रंबल में झोल होगा भाई। रोड टू रेसलमेनिया इस साल का ना बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। एजी स्टाइल्स और रोमन दोनों बाहर खड़े हैं भाई, लेकिन रिंग के नीचे ना ही पिनफॉल है ना ही सबमिशन है। और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भाई इस मैच में नॉकआउट नहीं है, ठीक है, यानी कि जीतने का सिर्फ एक तरीका है, पिनफॉल या सबमिशन। रोमन आई थिंक के रिंग के नीचे ना स्टाइल्स क्लैश देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दे नहीं पाए, नॉर्टन लग गया एलए नाइट के साथ। वैसे रोमन और एजी स्टाइल्स अच्छा ही कर रहे हैं, अगर रिंग के बाहर है तो दोनों के एलिमिनेशन होने के चांसेस कम है जब तक रिंग के बाहर रहेंगे। एक मिनट, ये एजी स्टाइल्स की बॉडी इतनी ज्यादा जल्दी लाल कैसे हो गई? एक ही फिनिशर लगाया था ना रोमन ने, या दो फिनिशर लगा दिया, क्या पता भाई, मैंने तो एक ही स्पीयर लगाते हुए देखा था, आई थिंक कि दो स्पीयर लगाया है, तो इसी वजह से। और ऑटन को भी फिनिशर लग गया, ऑटन का हेड येलो। एलए नाइट और रोमन दोनों की हेल्थ बहुत ज्यादा है, कोई बॉडी पार्ट भी डैमेज नहीं है। अच्छा, सबके पास रेजिलेंसी, यानी ओ एलए नाइट को छोड़कर, शायद एलए नाइट के पास सिर्फ लो ब्लो है और एलए नाइट लगा सकते हैं क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। एलए नाइट चाहे तो दिमाग लगा सकते हैं भाई लास्ट में, अगर फुल हेल्थ है भाई एलए नाइट की, इतना भी अच्छा मत खेलो, मतलब अनडिस्प्यूटेड टाइटल छीन के लिए ही के जाना है आज। एजी और रोमन, ये रोमन क्या कर रहे हैं, रोमन के साथ खींचो कि भाई रोमन के साथ खींचो कि रोमन कहां बैठ गए जाके बाकस। ये सब भाई 2K23 में देखने मिलेगा, रोमन ऊपर जाके बैठ गए, ये ऐसा लग रहा है कि रोमन बैठ के मैच देख रहे हैं आराम से। रोमन स्टाइल भी मार रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर बैठ के स्टाइल भी मार रहे हैं। अब पूरे मैच से मेरा ध्यान हट चुका है, रोमन के ऊपर मेरा ध्यान है भाई, ये 2K20 की याद दिला रहा है। बस यही बच गया था, रोमन बैरिकेड के उधर चले गए, अब रोमन इधर आ पाएंगे? रोमन एजी सारे क्या हो रहा है रोमन के साथ, वापस आ गए उड़ के, रोमन वापस आ गए, थैंक गॉड ये 2K20 नहीं है, इसलिए ग्लिच अपने आप ठीक हो गया। पर भाई देखते हो ना, 2K का गेम हो और ऐसे ऐसे ग्लिच ना देखने मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 2K20 नहीं है, इसलिए ग्लिच तो देखने मिलता है पर ग्लिच अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर अभी पता नहीं क्या क्या देखने मिलेगा, चारों की चारों रिंग के नीचे आ गए, रिंग के नीचे पिनफॉल या सबमिशन मैंने ऑन नहीं, अगर ऑन रखता तो रेफरी भी नीचे आ जाती, यानी कि ऑन नहीं है। तो एटलीस्ट दो आदमी अंदर जाओ ताकि कम से कम एक आदमी का तो एलिमिनेशन हो। ऐसे जिस हिसाब से सब मार खा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि एक बार पिनफॉल सबमिशन होना स्टार्ट हुआ तो लगातार होते ही जाएगा। एजी स्टाइल्स बैरिकेड के पास कुछ मत करो, अरे रे रे रे, एक तो कैमरा इतना छोटा कर दिया है ना, सब अलग अलग साइड पे लड़ रहे हैं भाई, अगर लड़ना ही है तो सब एक साइड पे आके लड़ो ना ताकि अच्छे से नजर आए, ऐसे दिख तो रहा है अभी भी। हाँ एजी अंदर आ जाओ, या एलए नाइट और रोमन ही कम से कम अंदर आओ। केंडोस्टिक आ चुका है, केंडोस्टिक आ चुका है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। एलए नाइट ना सबके लिए खतरा है, कम से कम एक आदमी के लिए तो खतरा है, लो ब्लो लगा के उसको पिनफॉल कर सकते हैं, तो बाकी तीनों के पास भले ही रेजिलेंस है लेकिन एलए नाइट के पास भाई जो है लो ब्लो, वो आगे का खानदान खराब करवाने की ताकत रखते हैं।
वेट किया जा रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई अंदर आएगा, लेकिन नहीं, अभी तक कोई अंदर नहीं आया, एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी तक तीन आदमी का जिसके पास रेजिलेंस है, ऑर्टन, रोमन, एजे, इन तीनों का रेजिलेंस तक नहीं गया तो और ज्यादा कोई मार नहीं खाया एजे के अलावा, बॉडी लाल हेड येलो, और मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स भी दो तीन फिनिशर तो झेली जाएंगे। एजे क्या कर रहे हो? अरे कम से कम दो आदमी अंदर आओ, एलेनाइट अंदर आ जाओ ना, ऑर्टन इंतजार कर रहे थे अंदर, ऑर्टन को वॉइस सुनाई दे रही थी और ऑर्टन चाह रहे थे कि अंदर, अरे एजे स्टाइल्स, और अरे भाई ये लोग मूड बनाते हैं अंदर आने का, लेकिन फिर ये देख लो रोमन के साथ डबल टीम अप हो रहा है। भाई ऐसा सीन देखने हो सकता है कि मिले अपने को रियल रॉ रंबल में, क्योंकि रोमन ने सबके साथ बहुत कांड किया है तो। और ये तीनों एक टाइम तक अभी तक दोस्ती थे, वो तो एले नाइट ने कांड कर दिया, नहीं तो नहीं सॉरी एजे स्टाइल्स ने कांड किया था ना, एजे स्टाइल्स ने मार दिया था एले नाइट को। तो जो भी इन सबके मेन टारगेट ना द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही रहेंगे। ऑटन और एले नाइट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग दोनों अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं भाई, चारों एक कॉर्नर में लड़ रहे, अच्छी बात है, कैमरा एंगल अच्छा देखने मिल रहा है, लेकिन अब रिंग के अंदर भी जाओ, बैरिकेड पे नहीं, आज नहीं, आज बैरिकेड पे नहीं, क्योंकि अजीब अजीब ग्लिच होता है। अब बस यही देखने बचा है कि ये लोग ऑडियंस के बीच में चले जाएंगे, सब एक एक करके एक दूसरे को अंदर तो भेज रहे। चलो एले नाइट क्यों जा रहे हो? हाँ एजे स्टाइल जब है ही, दुश्मनी भी है रियल लाइफ में, आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करो, समझ में भी आएगा, थोड़ी स्टोरी लाइन बनेगी ये सस्ते WWE में, बढ़िया। एले नाइट बदला लो, मारा था, अरे रे रे रे, एले नाइट का फिनिशर छीना ना, एजे के पास तीन फिनिशर एक सिग्नेचर, फुल्ली लोडेड है भाई एजे स्टाइल्स। ऐसे रोमन के पास भी दो फिनिशर, तीसरे की तैयारी है, फिनोमिनल फोर आर्म देने जा रहे थे, नीचे क्यों चले गए, क्या करते हो एजे, अच्छा खासा लगाते फिनोमिनल फोर आर्म। मैं तो बोलता हूँ दो आदमी लड़ रहे हैं ना, तो बाहर जाके खड़े हो जाओ और चला दो फिनोमिनल फोर आर्म, किसी को तो लगेगा। ऑटन के पास भी एक फिनिशर है, पंट किक देकर, ओ अभी डायरेक्ट एलिमिनेट होने तो नहीं चाहिए एले नाइट, टाटा नहीं नहीं नहीं, एक आरकीओ तो कम से कम लगाना पड़ेगा ऑटन, या पंट किक लगाओ ज्यादा बेटर है। मैंने देखा है कि पंट किक से ना ज्यादातर लोग गेम के अंदर भी किकआउट नहीं करते हैं। देखो रिंग के अंदर क्या चल रहा है, हाँ खैर की आरकीओ वारकीओ लगाया नहीं, वरना भाई एक कैमरामैन कैमरा कट मत करना गलत टाइम पे, ठीक है अच्छा लगता है कैमरा कट देखने में, लेकिन जब रिंग के अंदर कुछ कांड चल रहा है तब कैमरा कट मत किया कर, ऐसे ऑफ करने का भी ऑप्शन रहता है पर मैं ऑफ नहीं करता हूँ। देखो जैसे ये अच्छा लग रहा है देखने में, पर जब कुछ स्पेशल दिखाओ, ये नॉर्मल पंचेस दिखाने की जरूरत थी नहीं, कुछ आरकीओ वारकीओ में कैमरा कट करके दिखाओ। पंट किक ऑटन इतना सोच कर रहे थे, पंट किक मार ही देते, एजे स्टाइल स्टंड है, रोमन अंदर लेकर आ जाओ एजे को बहुत पड़ी है भाई, बॉडी लाल हेड लाल, एक्चुअली सभी कोई मार खा चुके हैं, रोमन की बॉडी लाल हेड ऑरेंज, लेकिन रोमन के पास तीन फिनिशर एक सिग्नेचर। मैं बता रहा हूँ रोमन रिंग के अंदर आएंगे ना, एक आध एलिमिनेशन तो डेफिनेटली हो रहा है। चलो एले गया, अगर पंट की रिवर्स कर दिया है, बच गया एले नाइट, एक एलिमिनेशन कर सकते हो, ऑटन एलिमिनेट तो नहीं होंगे लेकिन रेजिलेंसी जा सकती थी, ऑटन के पास अभी भी फिनिशर है, आरकीओ। ये देखो ये गलत टाइप पे कैमरा कट, मैंने क्या बोला आरकीओ, अब तो एले नाइट शायद 99% चांस से गया, किकआउट कर सकते लेकिन एले नाइट एक बार मुझे लग रहा था, भले ही रेजिलेंस नहीं थी लेकिन मैं जानता था कि एक बार किकआउट करेंगे तो ये अच्छा है। तो ऐसा है ना कि जो एक बार का कोटा था ना किकआउट करने का, वो पूरा कर दिया एले नाइट ने, अब इसके बाद कभी भी पिनफॉल हो सकता है, हो सकता है कि इस मूव से भी हो जाए भाई पिनफॉल, कोई ठीक नहीं है। रोमन और एजे स्टाइल्स बहुत अच्छा कर रहे हो, अंदर आ जाओ, स्टील स्टेप्स लाने की जरूरत नहीं थी लेकिन ठीक है। रोमन तीन तीन फिनिशर, स्टार्ट करो एलिमिनेशन, रोमन चाहते तो एले नाइट को एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते थे, या एजे स्टाइल्स भी कर सकते, तीन तीन फिनिशर एजे, दुश्मनी याद करो, मारा था एले नाइट को, वो दुश्मनी को कंप्लीट करो यार नकली WWE में। रोमन स्पियर या गिलेटिन, स्पियर आ रहा है एजे स्टाइल्स को, पता नहीं कैसे नहीं दिखा रेजिलेंस गई एजे की, बस कोई बीच में नहीं आया, रेजिलेंस तो जानी है भाई, एजे की भी रेजिलेंस गई, एजे और एले नाइट दोनों एलिमिनेट हो सकते। देख लो ऑटन को बस मौका मिला नहीं, चालू पंथी दिखाई, ऑटन फिनिशर है नहीं, रोमन और एजे को ना लड़ने देते आपस में और सही टाइम पे स्ट्राइक करते, अभी चाहो तो पिनफॉल कर सकते हो ऑटन एजे का, इतना लेट अब होगा, शायद हो भी सकता है, बहुत मार खा चुके एजे, नहीं अभी भी नहीं हुआ है। रोमन एक और आदमी की रेजिलेंस ले जा सकते हो ऑटन की, क्योंकि रोमन ही के पास फिनिशर है, चेयर यूज नहीं करना चाहिए था रोमन, एजे तीन तीन फिनिशर है, मिस मत करना अगर एलिमिनेट होना भी। चलो भाई ऑटन की भी रेजिलेंस गई फिनिशर के बाद, टाटा ऑटन ने, टाटा तो नहीं होगा, अरे टाटा कर लिया भाई ऑटन, रेजिलेंस के साथ पिनफॉल कर लिया, क्यों बताओ, बिना रेजिलेंस के एले नाइट ने किकआउट कर दिया था, ये गलत किया ऑटन ने,
यूज करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती ऑर्टन, पर ठीक है, एले नाइट, रोमन, एजेस साइल्स बच गए हैं। अब नेक्स्ट एलिमिनेशन किसका होगा? मुझे लगता है कि एले नाइट का। रोमन के लिए थोड़ा मामला आसान हो गया है क्योंकि दोनों के पास रेजिलेंस नहीं है, तो रोमन एक एलिमिनेशन और कर सकते हो, एले नाइट का टाटा। चलो भाई अब तो पिनफॉल हो नहीं, एजे स्टाइल मार लो अच्छा है, और घुसते के साथ तैयार रहो स्टाइल स्लैश देने के लिए। देख लो एजे क्या कर रहे हैं, एले नाइट भाई बताओ, यहाँ ऑर्टन के पास रेजिलेंस थी तो उन्होंने किकआउट नहीं किया, एले नाइट इतना भी सर्वाइव नहीं करना था। चलो अब जब सर्वाइव कर ही लिया तो ये गिलिटिन बचा लो, बचा लेते तो बच जाते, अब नहीं बचोगे। अरे एजे, अच्छा एजे चाहते कि वही एलिमिनेट करे ना, वाह वाह एजे, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए अंदर आना पड़ेगा, रिंग के बाहर पिनफॉल सबमिशन है नहीं। ये देखो दोनों एक दूसरे को रिंग के कॉर्नर से घूरते हुए, रोमन का क्योंकि एक एलिमिनेशन वेस्ट करवा दिया एजे ने, अब एजे का अरे एजे क्या करना क्या चाह रहे हो एजे, फिर भाग गया। रोमन फिर से एक एलिमिनेशन करने का मौका मिला है, मुझे लगता है ना कि अब एले नाइट का डायरेक्टली पिनफॉल हो जाएगा, इतना मार खा चुके हैं। चाहो तो रोमन एक बार पिनफॉल करवा सकते हो चाहो तो, बस बस ये एजे स्टाइल्स बीच में ना आए भाई। स्पीयर और ओ सुपरमैन पंच, ये भी अच्छा दिमाग लगाया रोमन ने, पिनफॉल होना ही है, एजे बस तंग नहीं करे। एले नाइट को तो जाना ही था, बहुत अच्छा खेला लेकिन जाना ही था, और रोमन ने खतरनाक दिमाग लगाया, एजे तीन तीन फिनिशर था, एजे एले की तरह एक बार किकआउट कर दो, मैं तो बोलता हूं एक बार कर ही दो। रोमन ने रिटेन कर लिया यहां सस्ते WWE में भाई, दो दो एलिमिनेशन करके बैक टू बैक, अब पता नहीं रियल में क्या होगा। तो फिल की फैमिली कमेंट करके बताइए कि इस फैटल फोर वे मैच में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो रॉ रंबल 2024 में। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।